में भी बहुत सारी गुफाएं हैं और इनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है इन गुफाओं का नाम, यह है हाथी गुफा और बहुत ही बड़ा है, नाम नाम से ही पता चलता है बहुत बड़ा है, हाथी गुफा है ना, देख सकते हो। और ये जो है पिलर दिया गया है सपोर्ट के लिए, इसको तो बाद में बनाया गया अपने से है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए, गिरने से बचने के लिए। इसमें क्या होता होगा, देख सकते हो ऊपर भी बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जो कि शायद टूट गई, ऊपर जाने के लिए है यहाँ से, और यहाँ से है देख सकते हो वहाँ पर भी जाने का रास्ता है यहाँ से टूट यह है, तो मैं आपके लिए वहाँ पर भी चढ़ूँगा। तो यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं यहाँ पर उन्होंने अपना अपना नाम लिखा हुआ है अपने, है ना भाई। और यहाँ से देखो भाई भुवनेश्वर सिटी, ये जैन मंदिर, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और भाई ये आ गया बाघ गुफा, ओह माय गॉड, देख सकते हो बाघ गुफा ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका देख सकते हो सा बाघ की तरह बना हुआ है ना? देख सकते हो ये आ गया इसका नाक है ना, इस गुफा का नाम है जबेश्वर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये देखा तो अंदर से कैसा है, दो दरवाजे हैं, कमरा एक ही है। और इस साइड चलते हैं, अब इस साइड खाई है, और ये आ गया मैं सबसे टॉप पे। और यहाँ पर शायद जो यहाँ के राजा होते होंगे यहाँ पर उनका किला होगा है ना, सबसे ऊपर क्योंकि उन्हीं का होता है जो सबसे बड़े होते हैं, यहाँ पर उनका किला होगा जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। और आप देख सकते हो ये जो पत्थर है ना, पत्थर भी खराब हो चुका है, इसके अंदर छेद छेद हुए। और यहाँ से मैं आपको अगर आप यहाँ पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर सिटी में आते हैं तो आप यहाँ पर इस उदयगिरी और खांदीगिरी को एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप मुझे
ये इंजॉय कर सकते हैं, है ना। कुछ लिखा हुआ है और जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गज पृष्ठांकर जीर्णालय, है ना। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे और ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो नाम पमी सरिता पद्मा झिल्ली, ये सब जो है ना कलाकारी नहीं करना चाहिए क्योंकि ना ये हमारे किसी देश की संपत्ति होती है और उस पर ये करके अपनी कलाकारी दिखाते हैं ये लोग, ये ठीक नहीं होता है, है ना, बहुत ही खराब लगता है। और दोस्तों यहाँ की एक बात और एक अच्छी है क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, बाकी जगहों पर अच्छी चीज़ें भी नहीं होती हैं और वो टिकट इतना ज़्यादा टिकट लेते हैं। और मैं भी जाता हूँ बाहुबली बच्चा बहुत अच्छा।